भाई बिस्मिल्लाह तो हुई आपकी तरफ। वाह वाह इब्रार भाई, बड़ा कमाल दिल है आपका। भाई इब्रार, ये 1,000 रुपए हमारी तरफ से, और अब ये नेकी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं अनवर भाई, इसको यहीं रहने दें। ग्राहक आते जाते हैं, वो भी कारे खैर में हिस्सा डालेंगे। वाह वाह इब्रार भाई, क्या खूबसूरत और सोनी बात की आपने। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। आमीन आमीन। अब्रार भाई, अब मैं भी सोच रहा हूँ अपनी नेक कमाई में से अल्लाह ताला के राह में कुछ मैं भी डाल दूँ। क्या बात, बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 100% दुरुस्त बात कही आपने। तो जी अब ये डब्बा हुआ अल्लाह के नाम, हस्बे तौफीक आते जाते अपने अपने हिसाब से जो हो सके इसमें डाले। क्या बात की है, वाह वाह अब्रार भाई, कसम खुदा की ईमान ताजा हो गया। और पता है, देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। बेशक बेशक। अच्छा हम चलते हैं, इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। फल भी नियतों के हिसाब से मिलते हैं वैसे। चाबी दे। वो तो अनवर भाई के पास है। छूट मत बाल। चाबी दे। लोग भी कितने बेवकूफ हैं। अब ये डब्बा रोज अल्लाह के नाम पे भरेगा और मेरे पास आएगा। बिजनेसमैन हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता मैं। इसको पूरा कहाँ से करोगे? ग्राहकों की जेब से। तू फिर आ गया? बाबा जाओ यहाँ से। इससे पहले सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तुम अपना हिसाब ठीक कर लो। 5-5 बार पुकारता है, अपने कान साफ करो और उसकी पुकार सुनो, इससे पहले तुम्हारी सुनवाई हो। हैया सलाह, हैया अलफलाह, फला की तरफ आओ, नमाज कायम करो। ये क्या कह रहे? सब कहते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, कुछ इशारा दे रहे। समझ रहे हो ना अब्रार भाई? सब समझ रहा हूं मैं। अमीर हो या फकीर, सबकी नजर, समझा? चल ये ले, फ्रंट पे रख, यहां जगह बना इसकी। शाबाश। अब्बा, आपका रोजा नहीं है? तो आपने अब तक एक भी रोजा नहीं रखा। लेकिन आप तो हर रोज हमारे साथ सहरी करते हैं। कहा तो क्या हुआ, सहरी का सवाब रोजेदार जितना ही होता है। लेकिन क्यों अब्बा? रोजा तो हर ईमान वाले पर फर्ज होता है, और झूठ पे झूठ बोलकर रोजा ना रखकर रोजा रखने का बहाना। इस बात का जवाब तुम्हारे अब्बा कहाँ दे सकते हैं, बेईमान जो हुए। मैं बेईमान हूं? बेवकूफ औरत मुझे बेईमान कह रही है। तू जाकर। हाँ तो है बेईमान आप, अल्लाह के बंदों के साथ तो धोखा दही करते, कम से कम अल्लाह के सामने तो सच्चे रहे, उसे भी ठग रहे। तमीरा मुझे गुस्सा ना दिला, चुप कर जा, अच्छा नहीं होगा वरना। अब्बा अम्मा को कुछ ना कहे। हाँ तो इसे क्या चुप करके रहे, वरना जाया हो जाएगी मेरे हाथों से। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लग रहा मुझे कोई फायदा हो रहा है, अब तो गर्दन भी नहीं मुड़ रही। आपने गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में काफी डॉक्टर चेंज कर लिए हैं, एक जगह टिककर इलाज क्यों नहीं कराते? मुझे माफ कर दें डॉक्टर साहब, वजह क्या है? आप लोगों को भी लॉजिक चाहिए होती है, हम डॉक्टर हैं, परफेक्ट इलाज करते हैं,
शिफा हमारे हाथ में नहीं है, आपको कहीं और जाना चाहिए। कहा? अबरार भाई आप क्यों आ गए? आराम कर दे, मैं संभाल रहा हूं ना, मुझ पर भरोसा नहीं है। तू समझ नहीं रहा है, सब पे भरोसा है सिवाय खुद के। सबके पास तर्स, हमदर्दी, इंसानियत, और मैं इन सब से बहरा हूं। तुम ठीक हो जाओगे अबरार भाई। वाकई तुझे ऐसा लगता है? अल्लाह करीम है, उस पर भरोसा रखो। उस पर तो भरोसा है, लेकिन अपने अमल, आदिया कहती है अपने अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ करो कबूल हो जाती है। मेरा तो दामन खाली है, सिक्का बराबर नेकी नहीं है। अबरार, अच्छा वह तुम यहां मिल गए, वरना अभी मैं तुम्हारे घर जा। क्यों, खैरियत अनवर भाई? भाई वो सूफी साहब जामा मस्जिद में तशरीफ लाए। नहीं, आप तो जानते होंगे, वहीं तो नमाज पढ़ते थे। हाँ, आप अबरार भाई को वहीं ले जाएं। हाँ चलो चलो अबरार, मेरे साथ। जब इंसान टूटता है तो उसे अल्लाह बहुत याद आता है। कोशिश करो, हाथ पांव बढ़ाओ। करो करो कोशिश करो। कोशिश करो बेटा। एक दफा और कोशिश। वालेकुम सलाम। तशरीफ ले आइए, ये अल्लाह का घर है। अपने रब से मिलने में झिझक कैसी? और अनवर साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अबरार साहब अब मेरी जिम्मेदारी है, आइए तशरीफ लाइए। जाए सलाम अलैकुम। मैं बहुत गुनहगार। ऐसा नहीं कहते, हमारे गुनाहों से ज्यादा उसकी रहमत की शान है। मैंने बहुत बुरा किया है, बहुत बहुत शौक के साथ। मेरा बेटा, इस तरह से अपने खताओं और गुनाहों को सरेआम करना मना है। हर शख्स गुनाहगार है, मगर अल्लाह जल्ले शानहु 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो मुझे माफ कर देगा? बेशक बेशक। नदामत का एक आंसू पलकों की जड़ तक नहीं आता कि अल्लाह ताला माफ कर देता है। पहाड़ जैसे भी गुनाह हो तो वो उसकी रहमत से खत्म हो जाते हैं। मगर याद रहे, बाज वक्त अल्लाह जल्ले शानहु आजमाइश में डालता है। आपको इस वक्त आजमाइश में डाला है और इंशाल्लाह आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। कौन सुनेगा, किसको सुनाए,
दिल अनसुनी ये कहानियां, जो भी मिला है इस जिंदगी में है किस्मतों की मेहरबानियां। चारों तरफ है यादों का धुआं, खुशियों के पल कोई ढूंढे कहां। जो तेरे आगे झुकते हैं तुम्हें दुनिया के आगे झुकने से बचा लेगा, जो तेरे आगे हाथ फैलाते हैं तुमका हाथ थाम लेते, उन्हें रुसवा नहीं होने देते। मेरे नाम तुम्हें मेरी नाफरमानियों और बेईमानियों के बावजूद मुझे थामे रखो, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं। मुझ जैसे तमाम इंसानों के रास्ते कुछ जाते लेकिन हम अपना रास्ता भूल बैठे। या अल्लाह हमें अपना शुक्र गुजार बनाओ। अब्बा आप ठीक हो गए?